अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पीएस छवीह ते आज़ाद उम्मीदवार मज़हर अली जतो ये चयो आहे त खैरपुर के मसलन जो शिकार कंदड़न का हिसाब वठंदासीं ऐं वक्त अची वियो आहे। माज़ीअ में अवाम के सरसब्ज़ बाग ॾेखारिया विया, उन्हनि जे अरमाननि सां बेदर्दीअ सां रांदि खेॾी वई। अवाम दुश्मनन जो असां मुक़ाबिलो कंदासीं, अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार हुन कॉर्नर मीटिंग खे ख़िताब कंदे कयो। मज़हर जतो ये चयो त खैरपुर में मेगा प्रोजेक्ट जे नाले ते मेगा करप्शन कई वई आहे। अवाम खे बहितर तालीम, सिहत, सेवरेज, मिठे पाणी जी फराहमी मुंहिंजो मंशूर आहे। अवाम खे मायूस न कंदुसि, अवाम ख़िदमत करण जो मौक़ो फराहम करे उन्हनि जी तकदीर बदिलाए छॾींदुसि। साईं, असांजे अचण जो मेन मक़सदु इहो ई हो त ग़रीबनि खे ऐं अवाम ग़रीब खे हक़ मिलणु खपे। जहिड़े तरीक़े सां पहिरियों तव्हांखे चई चुका आहियूं उर्दू में बि त बाबा, पुलिस डिपार्टमेंट ठीकु थिए, हेल्थ पब्लिक ठीकु थिए, जो बलदियाती निज़ाम आहे जेके पैसा अचनि था पिया उहे हुते लॻणु खपनि, ऐं इन जे करे एजुकेशन खे पंहिंजो ठीकु कनि, वॾेरनि जे ओताकनि खे ख़तमु कनि ऐं उते ग़रीबनि जे ॿारनि खे तइलीम ॾियनि। ऐं जेके प्राइवेट स्कूल एतिरी फीसूं ॾियनि था, अमीर जो ॿार पढ़ंदो पर ग़रीब ई न पढ़ी सघंदो। इस्पतालूं प्राइवेट आहिनि, उते ग़रीब जो ॿार जेके ग़रीब हूंदो उहो तड़पी मरी वेंदो, उनखे दवा ई न मिलंदी, अमीर हूंदो पैसा ॾेई हली वेंदो। असांजी रिक्वेस्ट इहा ई आहे त असांजो अचण जो बि मेन मक़सदु इहो आहे त ग़रीबनि जी उनजी का फरियाद ॿुधो, उन जो ॾिसो, ऐं ॿी रिक्वेस्ट असांजी हर कंहिंखे इहा ई आहे त बुज़ुर्गो, तव्हांजे पंहिंजे पार्टियुनि जो इहो ख़ुदि मंज़ूरु आहे त बाबा, जेकी बि हाणे असांजा बुज़ुर्ग आहिनि, वॾा आहिनि, उहे थोरो रेस्ट कनि ऐं ग़रीबनि खे चांस ॾिए, जवान खे, पढ़े लिखे खे, इंजीनियर खे, डॉक्टरनि खे, जेकी बि सी एस अफसर कोर्ट में हर शइ में जिते जिते लाइक़ु माण्हू उन्हनि खे आणियो। ईअं न कयो अपॉइंटमेंट टीचर वारी उहा न कयो जे ज़िंदगीअ में कंहिं स्कूल ई कोन ॾिठो हूंदो, उहो त असांजो वञी टीचर थींदो, उहो छा पढ़ाईंदो। तव्हां दुनिया में वञो, दुनिया में ॾिसो त केतिरी एजुकेशन जो हाई प्रोफाइल थो वञे। असां पंहिंजे खैरपुर सां उहो हलंदो न कयूं जहिड़े तरीक़े एम क्यू एम कराचीअ में करे छॾियो। असांजी इहा ई रिक्वेस्ट आहे भाईजान, मेन हमारा मक़सदु इहो ई है कि इस यूसी को, इस पी एस 26 पर हमारे आने का मेन मकसद ये है कि हमारे खैरपुर में आप वहाँ चलें और देखें। नंबर वन, हमारे एजुकेशन क्या है। अब एजुकेशन में सारे के सारे आप देखेंगे तो वहाँ पर यानि जो होता के लगी पड़ी है, वैसे बंदी हुई है, कोई टीचर नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। जब हमारा ये हाल होगा नंबर वन, तो हमारी एजुकेशन ही जब नहीं होगी तो हम कैसे तरक्की करेंगे। तरक्की तो हम नहीं कर सकते हैं ना कि भाई, पहले हमारा पोषण ये है कि हमारी एजुकेशन हो जाए। दूसरा ये, जो जितने हमारे प्राइवेट स्कूल हैं आप उनकी फ़ीस देखो, अमीर का बच्चा तो फीस ले लेगा, वो कर भी सकता है सबको, वो जो गरीब का बच्चा होगा वो कहाँ से करेगा। हमारे खैरपुर में, मैं पी एस की बात कर रहा हूँ, हाइएस्ट हमारा 10% अमीर होंगे, 25% मीडियम होंगे। अब उसके बाद जो हमारा बन जाता है 70% वो गरीब है, जो रक्षा चलाता है, जो गधा गाड़ी चलाता है या मजदूरी कर लेता है। आप उसके देखो वो कहाँ से सर्वाइव करेगा, क्या वो आटा घर में ले आए, घी ले आएगा, दूध ले आएगा, बिजली का बिल जमा करेगा, गैस का बिल जमा करेगा। जो बिजली हमारे घरों में नहीं है फिर भी बिल है, जो गैस हमारे पास नहीं है वो भी बिल है, पानी पीने के लिए नहीं है वो भी बिल है। पानी ऐसा आता है, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज से करता हूँ, मैं यहाँ के किसी भी इलाके से चल के हमारे MNA, MPA या मैं या कोई भी पी के देखे कैसा पानी है, लोग बीमार हो जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है। तो फिर आप मुझे बताएं कैसे। आप हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, हमारी एक्सपायर जो मेडिसन है उनको करके यूज़ करते हैं, पहले तो मिलेगी नहीं, किसी को नाक सामने काट दिया, किसी को क्या किया, कोई नहीं मिलता है, वहाँ डॉक्टर नहीं होते, वो अपने प्राइवेट, क्योंकि उनसे हमारा कोई पूछता ही नहीं है। हम कह रहे हैं एजुकेटेड लोग ले आओ, पढ़े लिखे ले आओ, ईमानदार ले आओ, और जो राइट है उनको मिले। ये हमारी यानी इस वक्त सेहत की पोजीशन। आप सीवरेज में देखें, जब इलेक्शन हमारी आ जाती है जो भी हमारे मेहरबान हैं वो उसी वक्त काम करना शुरू कर लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है कि गली में क्या है क्या। आप मुझे बताएं कि बरसात को कितना वक्त गुजरा है,
इस वक्त भी आप चलें और देखें कि कितने पानी लोगों का पड़ा है, कितनी बीमारियां, कितनी चीज़ें हैं, आप उसको देखें। अच्छा, उसके बाद आप थानों को देखो, जो थाने में लोग अपने पैसे लेके सर्विस करके ले आएंगे और अपॉइंटमेंट हमारी होती है, आप उसको देखो कि किस तरीके होती है, आप हम समझती हैं। डेवलपमेंट है हमारी कैसे चल रही है, ये आप भी समझती हैं, हम भी समझती हैं, हर एक को पता है। आप पढ़े लिखे लोग ले आओ, अच्छे लोग ले आओ, दुनिया में चलता है। आप म्यूनसिपाल्टी को देखो कि ये इतने काम किसका है, इसकी जवाबदारी है, कितना फंड आता है, वो उनसे कोई पूछने वाला है वो। या म्यूनसिपाल्टी में भी आप हैं, MNA में भी आप हैं, MPA में भी आप हैं, थाना भी आपका है, पुलिस भी आपकी है, तो इससे कौन सवाल करेगा, कोई सवाल नहीं कर सकता है। हमारा सर आने का मकसद यही है कि हमारे गरीब को राइट मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। अब आप हमारे जहाँ हमारा गांव है, आप उधर जाके देखें, सेंट्रल जेल से लेके वहाँ दुनियापुल तक रोड है, 20 साल पहले बना है, अभी वर्ल्ड बैंक ने उनको पैसे दिए, टेंडर हुआ, उधर से उठा के किसी और जगह में किया, क्यों कि भाई क्या वहाँ लोग नहीं रहते हैं, क्या वहाँ उनका हक नहीं है। इसी तरीके आप जहाँ भी देखो, ये राइट इनको नहीं मिलेगा, पब्लिक को, आवाम को नहीं मिलेगा, तो लोग रोडों पर आएंगे, लड़ेंगे, क्राइम बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। तो हमारा मेन मकसद भाई आने का यही है कि लोगों को राइट मिले और हक मिले। और अब हम इनको सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि साईं बाबा बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब आप रेस्ट कर दो। आपके बिलावल साहब का भी यही मंशूर है कि जो हमारे बुजुर्गान हैं वो घर में बैठे। अब हमारी रिक्वेस्ट है इनको कि बैठे, यंग को टाइम दे दो, ज़रूरी नहीं है मदर जी तो यंग हो, ज़रूरी ये है कि आप और भी हैं लोग, कितने लोग हैं हमारे खैरपुर में पढ़े लिखे, आप उनको टाइम दे दो, जो कम से कम आपके चीज़ को देखें और वहाँ जाएं और उनके साथ में सवाल का जवाब करें, ऐसे नहीं करें, ये ज़रूरी नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई आप दूसरे पार्टी के लिए तो कहते हैं भाई इलेक्शन हो गई, हर चीज़ हो गई, सब कुछ हो गई, हम भी अपनी करें, हमारे में भी हो, तो जो चीज़ें यानी दूसरों को हम चांस दे दें, ज़रूरी नहीं है कि हर ख़ानदान जतोई हो या कोई और हो, जो जो भी हो उनको चांस मिले, नहीं, हर एक को दे दो, तो फिर आपको इंसाफ भी मिलेगा। गरीब का बंदा ऊपर आएगा तो उसको एहसास होगा कि गुर्बत क्या चीज़ है, अमीर को ये पता नहीं है कि मेरे लिए घर में क्या है क्या नहीं है। तो हमारा यही मैसेज है सब भाइयों को, कोई भी किसी भी कौम से किसी से तलक रखता है, कि उनको राइट मिलना चाहिए, हमारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छा होना चाहिए। आप फौरन में देखें, इतनी बड़ी खैरपुर डिवीज़न है हमारी, यानी उधर इधर हमारे पास हाई कोर्ट नहीं है, लोग इधर के कहाँ जाएंगे, सखर में जाएंगे। तो हम इन चीज़ों पर देखें कि भाई ये चीज़ें मस्ट हैं या नहीं है, इनकी रुका अमीर तो जाएगा, गरीब कैसे जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनको अपना कवर करें और इन चीज़ों पर देखें। और आप लोग आवाम को भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो वोट आपसे लेने आता है आप उससे अपना सवाल करें कि भाई आपने पहले मुझे क्या दिया और आगे क्या दोगे। जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे हक नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर जिंदगी हमारी ऐसे ही गुजरेगी। हुन अपील कई 8 फरवरी ते डॉल्फिन ते ठप्पो हणी मुखे कामयाब कंदा। कैमरा में हसन रजा सां गॾु सलीम रजा शेख, उर्दू सिंधी TV खैरपुर। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.